आज मैं आपके साथ सहजन की मसालेदार चटपटी टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। सहजन जिसको कि मुनगा भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। इसके अलावा फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपको घुटने में दर्द है, अगर आपको पैरों में दर्द है, कैसा भी दर्द हो तो सहजन आपको खाना चाहिए। सहजन अगर आप खाएंगे तो आपके घुटने का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। तो ये कहा जाता है पुराने लोगों से, पुराने लोग यही कहते हैं कि सहजन खाओ और घुटने का दर्द भगाओ। तो आज हम बनाने वाले हैं सहजन फली की सब्ज़ी, टेस्टी मसालेदार मज़ेदार। कैसे बनाना है आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सहजन हमने लिया है, जिसको कि मुनगा भी बोलते हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया था, धोकर पोंछ लिया और इसके बाद में इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले इसको टिप एंड टेल कर लेते हैं, यानी कि इसके एंड्स को कट कर लेंगे। तो और इसको इस तरह से दो दो इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा भी रख सकते हैं, पर दो इंच का जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि जब इसकी आप सब्ज़ी बनाएंगे और उसके बाद में क्या होता है कि हमें इसको चूस चूस कर खाना होता है और खींच कर खाना होता है, तो खाने में भी पकड़ने में भी ईजी रहता है। अब इसकी हम सफाई कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसके रेशे हमें हटाने होते हैं। तो जो लोग बनाते रहते हैं सहजन, उनको तो पता होगा कि इसकी सफाई किस तरह से की जाती है। जिनको नहीं पता है वो जान लें, इस तरह से इसको साफ़ कर लें। अगर आप नहीं भी साफ़ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ज़ी बना सकते हैं। पर साफ़ करने के बाद में सब्ज़ी बनाएंगे तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार लगेगी। तो सहजन को हमने पानी में डालकर रख दिया ताकि ये टाइट ना पड़े। इसके अलावा 4 से 5 छोटे साइज़ के कच्चे आलू लिए थे, जिसको छील लिया और छील कर इस तरह से पानी में डाल दिया। इसको भी लंबाई में इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो आलू को भी अपने हिसाब से छोटा या बड़े पीसेज में आप काट सकते हैं। इसके अलावा आलू की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम के करीब सहजन का इस्तेमाल किया है, तो लगभग 2 से 3 छड़ आपको लेनी है और उसको आपको अच्छे से धोकर पोंछकर काट लेना है और इस तरह से साफ करके इसको तेल में फ्राई करेंगे। तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और सरसों के तेल में इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने सहजन को इस तरह से हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल लिया। इसी तरह से आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे फटाफट से। तो आलू को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको हम कलर देंगे, थोड़ी सी कुक हो जाएगी, बस इतना ही हम इसे कुक करेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट हमने इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा सेक लेना है। इस तरह से सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, सहजन को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, आलू को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, तो उसकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अलग आता है और बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आलू और सहजन दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए, सेम कढ़ाई हमने ली है, उसमें हमने तेल को बिल्कुल कम कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पर ना के बराबर तेल है और इसमें हमने एक प्याज को लंबाई में काट कर डाल दिया, रफली कटी हुई प्याज है। इसको हम हल्का सा स्वेट करेंगे, यानी कि जैसे ही ये इसका कलर चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गई, इसके बाद में 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल दिए। टमाटर को भी रफली काट कर हमने डाल दिया और इसको ढककर हम लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से कुक होने देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा वैसे ही गैस को हम धीमा कर देंगे या फिर बंद कर दें और ये जो हमारा टमाटर और प्याज है इसको हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में और इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में हल्का सा पानी डालकर हम पीस लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम इस सब्ज़ी को बना रहे हैं, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, बहुत ही अलग बनेगी, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उम्दा आता है। तो टमाटर और प्याज को हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया और अब देखिए, सेम कढ़ाई हमने ली है, इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब तेल। सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, पूरी रेसिपी हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। आधी चम्मच जीरा और 1 तेजपत्ता, साथ ही यहाँ पर 1 कटी हुई प्याज डाल दी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है, आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं और इसको हमें मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को काट कर या फिर घिसकर भी डाल सकते हैं। तो 2 से 3 यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें हमने डाल दी। इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने घर पर बनाया था, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप साल भर तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो इस सभी को हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी प्याज भुन चुकी है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो हमने पेस्ट पीस कर रखा था टमाटर और प्याज का, वो हमने इसमें डाल दिया। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्लेम हमारी मीडियम है, मीडियम हाई या मीडियम रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना रखें कि मसाला जल जाए।
तो अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो फ्लेम को मीडियम कर दें और इसमें डालें एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधी से एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च, जो कि कलर बहुत अच्छा देगी हमारी सब्जी को और हल्की सी मिर्च भी आएगी। इसके साथ ही नमक ऐड करना है, तो एक से सवा चम्मच के करीब नमक ऐड कर दें, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इस मसाले को हमें भूनना है अच्छे से, तो थोड़ा सा भी इसमें पानी जाएगा, लगभग आधा कप के करीब मैं पानी ऐड करूंगी। सबसे पहले मसाले को इस तरह से अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा मसाला भुन चुका है, सारे मसाले भुन चुके हैं और इसने तेल को रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो देखिए लगभग आधा कप के करीब पानी डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को हम अच्छे से कुक होने देंगे। तो ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। लगभग 4 मिनट के बाद में देखिए सब्जी बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रेवी सब्जी की पक चुकी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है, तेल भी निकल कर बाहर आ गया है। एक बार मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें जो हमने सहजन और आलू फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को हमने अच्छे से सहजन और आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी हम ऐड करेंगे, तो पानी आपको इतना ऐड करना है कि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पर 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी आप ऐड कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतली सब्जी खानी है तो आप इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि आलू भी अभी थोड़ा सा पानी और एब्जॉर्ब करेगा, पूरी तरह से आलू नहीं पका है, इसको हम ढककर पकाएंगे। तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा रखें, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये सब्जी गाढ़ी हो जाती है। तो आधी चम्मच के करीब हमने इसमें लास्ट में गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। अब ढककर हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। लगभग 12 मिनट के बाद में देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गाढ़ी भी हो चुकी है और आलू भी इसका पक चुका है। तो सहजन की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से कट रहा है, तो आलू सॉफ्ट हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और गरम मसाला पाउडर भी हमने थोड़ा सा डाला था ताकि टेस्ट अच्छा आए। और बस अब इसमें डालिए थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसको सर्व करें, रोटी पूरी पराठे सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो 2 मिनट तक मैंने इसको और ढक दिया था। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम चटपटी टेस्टी मसालेदार बनी है। आप भी सहजन की सब्जी को बिल्कुल ऐसे नए तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर इस तरह से बनाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। तो कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं, बनाने के बाद मैं फीडबैक ज़रूर दें। बाय।